हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ पजल्स डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें हम सीक्वेंशियल पजल पढ़ रहे हैं। फिलहाल सीक्वेंशियल पजल में तीन टाइप आती है, जैसे एक होता है मंथ, एक होता है डे और एक होता है ईयर। तो फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं? मंथ बेस। डे बेस मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, मंथ बेस का ये आखिरी लेक्चर है आज, ठीक है। टोटल चार लेक्चर मैंने डे बेस के लिए चार ले रहा हूँ मंथ बेस की, और हर लेक्चर में तीन पजल मैं कराता हूँ, तीन अलग अलग टाइप की, ठीक है, जो एग्ज़ाम में पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब 99% चांस है कि आएगा, 100%, ठीक है। इसके अलावा अब मैं कल से शुरू करूँगा कौन सी? ईयर बेस्ड पजल, ठीक है। उसके भी चार लेक्चर होंगे और जितने भी ईयर बेस में रिलेटेड पजल्स होते हैं वो सारे मैं आपको करा के दिखा दूंगा कैसे करते हैं उसको, ठीक है। तो फिलहाल देखते हैं आज के इस वीडियो में क्या है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दो, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि जितनी भी PDF होती है ना सारी वहीं जा रही है, जितनी भी वीडियो की लिंक हो रही है सारी वहीं जा रही है, और कुछ भी एक्स्ट्रा मुझे बताना होता है या भेजना होता है तो मैं अपने टेलीग्राम पे भेजता हूँ, ठीक है। तो इससे कनेक्टेड रहोगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज वीडियो में क्या है हमारे पास। तो हम बात करें मंथ बेस्ड पजल की, तो जो हम करते हैं स्टेप वाइज चलते हैं चीज़ों को, स्टेप बाई स्टेप लेके चल रहे होते हैं ना। तो स्टेप वन मैंने आपको बता रखा है कि स्टेप वन में हमें क्या करना होता है, करना होता है पजल की रीडिंग। रीडिंग कहाँ तक करते हैं? रीडिंग वहाँ तक करते हैं जहाँ से एग्जैक्ट कंडीशन, जो लिखने वाली कंडीशन होती है वो शुरू हो रही होती है, उससे पहले तक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं रीडिंग को। तो यहाँ शुरू करेंगे इस जगह से। 7 पर्सन, 7 लोग बैठे हैं, शिवा, वरुण, तरुण, जय, अदिति, फैज एंड कुमार, वर बॉर्न ऑन 7 different months ऑफ द सेम ईयर। ये पढ़ लेना, सेम ईयर लिखा है, ठीक है। विज मतलब बताया हुआ कि इस तरीके से जुलाई है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। तो ये कुछ 7 लोग हैं जो पैदा हुए हैं और कहा गया है कि इस मंथ में हुए हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने जब कंडीशन को पढ़ लिया, स्टेप वन हमारा हो गया कंप्लीट। अब स्टेप टू क्या था? स्टेप टू में मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ आपको यहाँ स्टेप वन से मिली, क्या क्या मिली मुझे? मुझे ये मिला कि ये 7 लोग हैं और ये पर्टिकुलर मंथ में पैदा हुए हैं, तो इसको हम बना लेंगे टेबल, ठीक है। स्टेप टू में हमें बनाना है टेबल, तो टेबल बनाएंगे, लिखेंगे जून से, ठीक है। देखो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हाँ ठीक है, सही, जून से लिखते हैं। जून, जुलाई, इसको थोड़ा सा ना इधर साइड लिखते हैं क्योंकि अभी मुझे इसका वो भी लिखना पड़ेगा, इतने दिन होते हैं इसमें। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब एक लाइन खींचेंगे ऐसे, मतलब अलग अलग बना देंगे इसको। ये हो जाने के बाद, जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमें क्या करना होगा? सबके लिखने होंगे कितने कितने डे होते हैं। तो जून में कितने होते हैं? जून में कितने होते हैं? 30 होते हैं। जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31, ठीक है। और एक ऑनलाइन खींच लेंगे, अगर पॉसिबिलिटी हुई, अगर मतलब इसमें रहा कोई पॉसिबिलिटी तो हम एक साथ उसको चलाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं अब थर्ड स्टेप हमारा क्या होने वाला है। कंडीशंस को नोट करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी कंडीशन नोट कर लेंगे। कंडीशन नोट करते वक्त हमेशा ध्यान रखना कंडीशन गलत ना नोट करना, क्योंकि अगर गलत नोट कर लेना एक बार तो फिर पूरी पजल खराब हो जाएगी, टाइम खराब हो जाएगा, सब कुछ, ठीक है। तो कंडीशन बहुत ध्यान से नोट करना। अदिति वॉज बॉर्न आफ्टर अक्टूबर, तो अक्टूबर के बाद अदिति बॉर्न हुई है। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। एक चीज़ पहले देख लेते हैं, क्या पहला डिजिट जो है नाम का सेम है या अलग अलग है? तो एस देखो, वी, टी, जे, ए, एफ, के, सब अलग है, सिर्फ पहला लेटर उठाएंगे सबका, ठीक है। चलो तो अदिति के लिए 2 पॉसिबिलिटी बन रही थी, मैंने दोनों को रख दिया, ठीक है, एक साथ चलाते चले जाएंगे। उसके बाद 2 पर्सन वेयर बॉर्न बिटवीन फैज और शिवा, तो फैज और शिवा में 2 लोग हैं, ठीक है। बोथ वर ऑल्सो नॉट बॉर्न द लास्ट मंथ, तो यहाँ पे एफ और शिवा नहीं आने वाले, ठीक है। फिर देखो 3 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन तरुण एंड अदिति, तो 3 लोग हैं, तरुण को यहाँ रख देंगे, इसमें यहाँ रख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो तरुण वॉज नॉट बॉर्न ऑन अगस्त, लो भैया बता दिया, तो ये कंडीशन तो वैसे ही गलत। अब ये कंडीशन गलत हो गई जब, तो यहाँ रख देंगे फिर, भाई एक जगह कंडीशन गलत हुई कोई दिक्कत नहीं है, अभी एक करके चलाएंगे। वरुण वॉज बॉर्न बिफोर जय बट आफ्टर कुमार, तो जो वरुण है ना
कुमार के तो बाद में हुआ है, लेकिन किसके, जय के पहले हुआ है, ठीक है। चलो फैज आफ्टर कुमार हो गया, हाँ ठीक है। फैज वॉज बॉर्न ऑन अ मंथ विच हैज 30 डेज, तो ये 30 वाले दिन पे हुआ, 30 वाले दिन पे, ठीक है। कंडीशन देख लेते हैं पूरी पहले। वरुण वॉज नॉट बॉर्न जस्ट आफ्टर फैज, फैज के तुरंत बाद इस जगह पे वरुण नहीं होगा, ठीक है। इतना हो गया। अब हमने बताया था आपको क्या करना होता है, सबको एक सर्कल में बंद कर दो, ठीक। चलो ये हो गया। अब देखो ध्यान से कंडीशन चेक करते हैं, कोई कंडीशन लिंक हो रही है। ध्यान से देखो, ये 30 में पैदा हुआ है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, दोनों जगह पॉसिबिलिटी है बहुत आराम से। एफ एस एस देखो यहाँ पे तो नहीं आएंगे, इसका मतलब एफ एस यहाँ आएगा और एफ एस यहाँ आएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मेरे हिसाब से जैसा मुझे लगता है कि एफ ऊपर ही होगा, देख लेते हैं एक बार। चलो एक बार एफ को ऊपर रख लेंगे, भाई दोनों पॉसिबिलिटी मेरे पास है तो क्या दिक्कत है, एक बार एफ को ऊपर, एक बार ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये दोनों, ये वाली पॉसिबिलिटी कंप्लीटली, देखो यहाँ पे भी 30 था, वहाँ पे भी 30 था, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है के वी जे ऐसे होंगे, के वी और जे, देखो ये एक सेकेंड है, वी और जे, देखो ये मैंने कहा था ना एफ ऊपर होगा, क्यों, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ पे वी आ जाएगा इसके नीचे, और इसके नीचे मना कर रखा है, इसके नीचे यहाँ पे मना कर रखा, तो ये कंडीशन हमारी हो गई गलत, ये कंडीशन हमारी हो गई सही। तो आई होप ये समझ में आया होगा, मैंने इजी जानबूझ के रखा कि पहला पत्र थोड़ा वार्म अप हो जाए, इसके बाद वाली पत्र अच्छी है, ठीक है। चलो देखते हैं अगली जो पत्र है हमारे पास, उसमें क्या कहा गया है। उसमें कहा गया है कि स्टेप वन, ठीक है, 7 पर्सन ए बी सी डी ई एफ जी गो टू टूर इन डिफरेंट मंथ ऑफ अ ईयर, ठीक है। मंथ दिया हुआ है जनवरी, जनवरी है, फिर मार्च है, अप्रैल है, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। दे ऑल लाइक डिफरेंट कार, मतलब वेरिएबल दे दिया यहाँ पे, ठीक है। और कार के नाम है पंच, वरना, एक्स्टर, वेन्यू, बलेनो, स्कॉर्पियो और स्विफ्ट, ठीक है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। पढ़ लिया, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, ये हो गया हमारा स्टेप वन कंप्लीट। स्टेप टू में क्या, अब स्टेप वन से हमें क्या कंक्लूजन निकला कि भैया 7 लोग हैं और ये फलाना फलाना मंथ में पैदा हुए हैं, ठीक है, और सॉरी सॉरी पैदा नहीं हुए हैं, टूर पर जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें यही करना है, पहले 7 महीने लिखने हैं जो जो महीने दिए हुए हैं इसमें। तो पहला मंथ कौन सा है, जनवरी दिया हुआ है यहाँ पे, फिर क्या दिया हुआ है, मार्च दिया हुआ है, MAR, ठीक है। फिर दिया हुआ है अप्रैल, चलो अप्रैल को लिख देते हैं, ठीक है। फिर दिया हुआ है मई, मई लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद जून, जून नहीं दिया है, जुलाई दिया है, ठीक है, जुलाई। ये चीज़ आप लोग बहुत ध्यान रखना, एक साथ मत लिख देना, जैसा जैसा कंडीशन में बोला जाएगा वैसा वैसा ही करना, ठीक है। अगस्त, फिर सितंबर, ठीक है। ये लो भैया सबको मैंने बना दिया। बस इसको थोड़ा सा बड़ा इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका वेरिएबल भी रखना है इनके साथ में। ये 31, ये 31, ये 30, ये 31, ये 31, ये 31, ये 30, 30 वाले मुझे खाली 2 मिले, ठीक है। चलो अब यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था, पता था, अब क्या करना है, आगे हमें लिखनी है कंडीशन। ए गोज इन अ मंथ विच हैज लेस देन 31 डेज, भैया तो ए कहाँ कहाँ जा सकता है, दो ही पॉसिबिलिटी है, मतलब ए जो है वो 30 वाले दिन पे जाएगा, ठीक है। चलो 2 पर्सन गो बिटवीन ए एंड द वन हु लाइक वर्णाकार, तो अब ए जब 30 वाले पे जाएगा तो 2 पर्सन बच रहे हैं ए और वर्णाकार में, तो अलग से इसको लिख देंगे ताकि हमें नहीं पता ना कि कहाँ कहाँ बैठा है ए, ए और वर्णा, VER, ठीक है। फिर देखो 2 पर्सन गो बिटवीन द वन हु लाइक बलेनो एंड द वर्णाकार, अब वर्णा और बलेनो में भी 2 लोग हैं, क्या पता ए ही हो जाए बलेनो, है ना, बलेनो, ठीक है, बल लिख देते हैं। अब देखो कहाँ गया बलेनो, है ठीक है। वन हु लाइक बलेनो कार डिड नॉट गो इन द मंथ विच हैज 31 डेज, देखो भैया ये भी बता रहा है कि ये भी 30 वाले दिन में ही है, देखो जहाँ तक चांसेस हैं, मैं बनाया नहीं हूँ बदल, ठीक है, जहाँ तक चांसेस है ए नहीं होगा, ठीक है। ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं, देख क्या पता यही हो जाए, हमें नहीं पता, लेकिन चांसेस इसके हैं कि ए नहीं होगा, ठीक है। चलो बी गो स्विफ्ट पसंद है एंड ओनली 1 पर्सन गो बिटवीन बी और ए, बी को पसंद है क्या स्विफ्ट, SWIFT, ठीक है, और एक बंदा जाता है बी और ए के बीच में, चलो ठीक है। जी गोज टू द टू टूर इन अ मंथ विच हैज 30 डेज एंड ही लाइक पंच, अब जी भी 30 वाले दिन में जाता है और इसे पंच पसंद है, पंच पता है ना कार है पंच, ये 30वें दिन, 30 वाले दिन में है, ठीक है। जी गो टू टूर इन अ मंथ विच हैज 30 का, ठीक है। 1 पर्सन गोज बिटवीन द वन हु लाइक पंच कार एंड ई,
अब जी और ई के बीच में ना एक लोग का गैप है, देखो पंच तो जी को पसंद था, चलो। उसके बाद देखो ई हु लाइक एक्सटर, ई हु लाइक एक्सटर, ई एक्स टी ई आर, ठीक है चलो। एफ डज नॉट लाइक वर्णाकार, अब एफ को वर्णा नहीं पसंद है, एफ को वर्णा नहीं पसंद है, ठीक है काट देते हैं। फिर कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ वर्णाकार। एंड गोज टू द टूर इमीडिएटली बिफोर ई, ई से तुरंत पहले कौन है, एफ गया है, ठीक है। एफ लाइक वेन्यू कार एंड वन पर्सन गोज बिटवीन एफ एंड द वन हु लाइक स्कॉर्पियो कार। तो एफ को और स्कॉर्पियो के बीच में एक लोग का गैप है, और एफ को क्या पसंद है, वेन्यू, वेन्यू पसंद है, ठीक है। एफ के सामने यहाँ पर लिख देते हैं, एक यहाँ कटा दो, इसे कटा दो, यहाँ पर लिखते हैं वेन्यू, VEN, ठीक है चलो। यहाँ हो गया, सी गोज टू द टूर इन एनी ऑफ द मंथ आफ्टर डी, देखो डी के बाद है, कहीं पे है लेकिन डी के बाद है सी, ठीक है। अब ये हमारा हो गया स्टेप 3। स्टेप 4th क्या है, स्टेप 4 में हम जब कंडीशन बहुत ज़्यादा होती है तो क्या करते हैं, सबको एक सर्कल में अलग से बंद करते हैं, क्यों, क्योंकि हम ये डिसाइड कर सकें इजीली कि कंडीशन कहाँ कहाँ अलग है, ठीक है। अभी वैसे अगर लिखा होता तो आप कंफ्यूज रहते, एक दो दो तीन कंडीशन आपस में मर्ज कर सकते थे, यहाँ पे तुरंत ही जब सर्कल में सबको बंद कर दोगे ना तो टेंशन फ्री हो जाओगे। अब देखो, अब पहले मैंने आपको बताया है कंडीशन को कनेक्ट करना, बहुत सारे कंडीशन हो तो कनेक्ट करने की कोशिश किया करो, ध्यान से देखना। ए को बैठाऊंगा तो बी बैठ जाएगा, बी बैठ जाएगा, ए को बैठाऊंगा तो वरना बैठेगा, वरना से बलेनो बैठेगा, ठीक है। और देखो बलेनो के अलावा कोई, कोई बलेनो के अलावा, ध्यान से देखना, दो ही जगह है 30 वाले के लिए, दो ही जगह है। अगर ए को यहाँ बैठाऊँ, एक दो छोड़ के वरना, और वरना से कितना छोड़ के बलेनो, एक दो, कहीं आएगा ही नहीं मेरे भाई, आएगा ही नहीं। देखो मैं बता, ज़्यादा चांस है गलत होने, मतलब एक ही नहीं लेकिन ए ही होगा, ध्यान से देखना। अगर एक को मैं यहाँ बैठाऊँ, एक दो छोड़ के वरना को यहाँ बैठा दूँ, तो बलेनो यहाँ पे आएगा, जो कि 31 का मतलब बलेनो ए पर ही आने वाला है, कन्फर्म हो गया, ठीक है ठीक चलो। तो एक कंडीशन रखेंगे और हम बनाना शुरू करेंगे, मैंने आपको बताया ना मिनिमम लेकर चलना है, ज़्यादा यहाँ से अगर मैं शुरू करूँ ये ऊपर वाले से तो मुझे दो गैप छोड़ना पड़ेगा, ठीक है दो गैप मुझे छोड़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ शुरू करूँगा मुझे कुछ नहीं छोड़ना है, यहीं से शुरू कर देना डायरेक्ट। ए को यहाँ रख दिया, वरना को रख दिया यहाँ पे, तो बलेनो यहाँ पे तो इसी में आ रहा, ठीक है ये गलत नहीं है, मतलब फंसने वाली चीज़ नहीं थी ये, तो आसान चीज़ थी, तो बलेनो यहाँ पे होगा, बलेनो, ठीक है चलो। बलेनो को यहाँ रख दिया, अब बी को यहाँ रखूंगा, ठीक है। बी के, बी को स्विफ्ट पसंद है, स्विफ्ट, FWIFT, ठीक है चलो। ये कंडीशन डन, डन, ये कंडीशन डन। अच्छा वरना पे एफ नहीं आएगा तो एफ को काट देते हैं, ठीक। ये कंडीशन डन, ठीक है, ये कंडीशन डन, ये कंडीशन डन, ठीक। इतनी कंडीशन मेरी हो गई। देखो जी जो है वो पंच पे है, और सॉरी जी को पंच पसंद है और 30 पे है, तो एक ही जगह बच रही है, PUNCH यहाँ पर रख दिया, ये कंडीशन डन, डन हो गई। जी से एक छोड़कर नीचे तो बी बैठा हुआ है, दिख रहा होगा आपको, तो ई कहाँ आएगा, टॉप पे आएगा। अब हो गई पजल गलत, क्यों, क्योंकि ई के ऊपर बैठा है एफ, ये चीज़ दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो एक ही कंडीशन बची थी भैया, जितना दुख हुआ इस चीज़ का, किस चीज़ का, कि हमारी पजल पहली कंडीशन में गलत हुई, तो उतना ही खुश हो जाओ क्योंकि अब जो बनने जा रहा है वो एकदम सही बनने जा रहा है, ठीक है चलो। ए को यहाँ रख दिया, वरना कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। बलेनो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। अब देखो दो कंडीशन अभी बनेगी, बी दो जगह आ सकता है, एक बार बी की पॉसिबिलिटी यहाँ बन रही है, एक बार बी की पॉसिबिलिटी यहाँ बन रही है। अब मैंने आपके पास बताई है कि जब ऐसी कंडीशन में फंसो तो देखा करो कि कहाँ रखने से पूरी पजल फिट हो जा रही है, भर जा रही है। तो अगर मैं बी को यहाँ रख दूँ इस जगह पे, तो पूरी पजल भर गई, नहीं भर गई, यहाँ से देखो, यहाँ से निकल नीचे तक पूरा, मतलब टॉप पे आ गया, ठीक है। और वैसे मैंने टॉप से मैंने शुरू करने के लिए कहा भी है, ठीक, गलत होगा कोई बात नहीं, ठीक है चलो। बी को वहां रखेंगे, स्विफ्ट यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा बी को वहां रख सकते हैं, सच बताना, रख तो सकते हैं भाई, बी से कोई कनेक्शन, कंडीशन जुड़ थोड़ी रहा है, रख सकते हैं, ठीक है चलो। अब जी कहाँ पर आएगा, जी के लिए एक जगह यही बची, जी को यहाँ रखना पड़ेगा, पंच को यहाँ रखूंगा, पंच को यहाँ रखूंगा, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, एक छोड़कर ई आ जाएगा, कौन है, एक्स्टर, EXTE और आर, ठीक है। एक्टर यहाँ रखूंगा तो एफ मुझे यहाँ रखना पड़ेगा, और उसे पसंद है वेन्यू, वेन्यू को यहाँ रख दूंगा, ठीक है। एक मिनट को यार, एक्स्टर की स्पेलिंग गलत लिखा हूँ, EXTER, ठीक है ये हो गया एक्स्टर, वेन्यू यहाँ हो गया। अब डी के नीचे यार आएगा सी, चलो डी के नीचे यहाँ पर रखते हैं सी को। एफ से एक छोड़कर था स्कॉर्पियो, चलो एक्स से स्कॉर्पियो, SCOR रख देते हैं, ठीक है।
अच्छा एफ कहीं मना कर रखा था, वरना पे मना कर रखा था, तो एफ यहाँ पे मना कर रखा था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सही है। देखो अब एक बार कंडीशन को दोबारा रीचेक करते हैं, देखते हैं क्या सही बना है कि नहीं बना है, ध्यान से देखना, इसको मिटा दूं। हाँ देखो ए 30 पे होना चाहिए, ए देखो 30 पे बैठा है, इससे लेते हैं हाईलाइटर से करते हैं, ए 30 पे होना चाहिए, देखो ए 30 पे बैठा है, ए से दो छोड़कर वरना होना चाहिए, ए से एक दो छोड़कर वरना है, ठीक है, वरना से दो छोड़कर बलेनो होना चाहिए, 30 पे होना चाहिए बलेनो, देखो एक दो छोड़कर बलेनो 30 पे है, ठीक है, वरना को एफ नहीं पसंद, ठीक है, बी से एक छोड़कर ए है और बी को स्विफ्ट पसंद है, चलो ठीक है, बर्थडे भी सही बैठा हुआ, देखो यहाँ पे बी ए स्विफ्ट, ठीक है, जी 30 पे है और पंच पसंद है, जी 30 पे है पंच पसंद है, ठीक है, जी से एक छोड़कर ई है जिसे एक्स्ट्रा पसंद है, पसंद है, ई के जस्ट ऊपर एफ है, वन्यू पसंद है, पसंद है, एफ से छोड़कर स्कॉर्पियो है और डी के नीचे है सी, तो इसका मतलब हमने जो ये कंडीशन पजल बनाई है ये एकदम सही बनाई है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जहाँ नहीं समझ में आया कॉमेंट कर देना, मैं बता दूंगा, और समझ में आया तो लाइक कर देना वीडियो को, ठीक, चलो आगे देखते हैं अगला क्या है हमारे पास। नेक्स्ट की हम बात करें तो 8 पर्सन है, 8 फ्रेंड, बी शिवम आलोक पुनीत तरुण, बी कौन है भैया, 1 2 3 4 5 6 7, ये मुझे लग रहा है मैं नाम हटाया हूँ ना, कोई बात नहीं, गलत तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर बी में यहाँ पे तो हर जगह बी ही होगा, हाँ ठीक है, ठीक है, चलो मान लेते हैं एक का नाम बी जो है ना वो शॉर्ट फॉर्म है किसी का, ठीक है, चलो सही है, 8 फ्रेंड है, बी है, शिवम है, आलोक है, पुनीत है, तरुण है, शीतल है, आचर है, नंदनी है, ठीक हैव शो ऑन टू डिफरेंट डेट, अच्छा उन लोगों को पिक्चर देखने जाना है, दो डिफरेंट डेट है, एक डेट दी हुई है 9 तारीख, एक डेट दी हुई है 20 तारीख, ऑफ 4 डिफरेंट मंथ, 4 महीने हैं, मार्च अप्रैल मई और जून, ठीक है, इतना हमें पता है, बट नॉट इन सेम ऑर्डर, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, अब ये हमारा स्टेप 1 हो गया फिनिश। स्टेप 2 में क्या करना होता था, स्टेप 2 में बनानी होती थी हमें टेबल, टेबल बनाएंगे, MAR मार्च यहाँ पे हो जाएगा, APRIL अप्रैल यहाँ पे हो जाएगा, और मई यहाँ पे हो जाएगा, और हो जाएगा जून, चलो एक सेकेंड ऐसे मत बनाओ इसको यार, इसको ऐसे बनाओगे तो फंस जाओगे, पहले डेट लिख लो, ठीक है, चलो 9 और 20 ना, हाँ 20, 9 और 20, ठीक है, 9 और 20, ठीक है, 9 और 20, ठीक है, कुछ ऐसे कर देते हैं, 9 और 20, हाँ ऐसे, सबसे पहले 4 लाइन बनाएंगे खाली, और ऐसे ऐसे लिख देंगे, तो यहाँ पे कौन है मार्च, MAR, ठीक है, यहाँ पे कौन है अप्रैल, APR, ठीक है, यहाँ पे कौन है मई, मई, ठीक है, यहाँ पे कौन है जून, जून, ठीक है, मार्च में कितने दिन होते हैं 31, अप्रैल में कितने दिन होते हैं 30, मई में कितने दिन होते हैं 31, जून में कितने दिन होते हैं 30, ठीक है, चलो अब देखो यहाँ तक हमने कर लिया, अब हमने कंडीशन को नोट करनी है, आलोक हैज शो जस्ट आफ्टर नंदनी, तो अब देख लो पहले नाम सबके, बी अलग है, SAPT, शीतल शिवम में, और ए ए ए भी है, और एन, हाँ एस और ए में हमें कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है, चलो आलोक एस और एन में, ठीक है, जस एस और ए में हमें अलग अलग लिखना है, आलोक, चलो छोड़ो हम नाम लिख लेंगे सबका यार, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा कुछ ना कुछ, आलोक हैज, अच्छा इतना बड़ा क्यों बना दिया है मैंने, रुको रुको फिर से बनाते हैं इसको, छोटा छोटा, इतना बड़ा बनाई जरूरत नहीं थी, यहाँ पे लिख देते खाली, इतना बड़ा कंडीशन कहाँ लिखेंगे, इतना बड़ा बना देंगे तो, हाँ अब देखो यहाँ पे नेम कंडीशन आ जाएगा, आलोक हैज सो जस्ट आफ्टर नंदनी, तो NAN नंदनी के जस्ट आफ्टर को बाद कौन है, आलोक है, चलो लिख दिया, अब देखो टू पीपल हैव शो बिटवीन शीतल एंड बी, तो SHE शीतल डबल ई लिख देते हैं, और दो लोग हैं बी के बीच में, ठीक है, 5 सिंगर, सिंगर सिंगर की फ्रेंड है, 5 फ्रेंड हैव शो बिटवीन आंचल एंड शिवम, तो आंचल और 5 लोग हैं SH, देखो 5 लोग हैं तो यहाँ पे तो भाई 5 6 7 लोग तो आ ही गए इसमें, ठीक है, चलो शिवम हैज नॉट शो इन मार्च, तो शिवम का तो मार्च में नहीं है, इसका मतलब शिवम का कहीं जून में होगा, ठीक है, तो शिवम SHI लिख दो इसको, ये मार्च में नहीं होंगे, ठीक है, उसके बाद कह रहा है नंदनी एंड पुनीत हैव शो इन द सेम मंथ, तो नंदनी और पुनीत, नंदनी और पुनीत, चलो इधर NAN स्लैश पुनीत, इन लोग को लिख दो ऐसे करके सेम मंथ, ठीक है, SM,
चलो, शीतल हैज शो ऑन 20th ऑफ द मंथ विच डज नॉट हैव 31 डेज। देखो ध्यान से, शीतल का जो शो है ना वो 20 तारीख में है और 31 डे वाले में नहीं है, ठीक है। 20 तारीख में तो है, 20 तारीख में होगा, लेकिन भाई साहब 31 वाले में नहीं होंगे, ठीक है। चलो, नंबर ऑफ सिंगर हैव शो आफ्टर नंदनी इज सेम एज द नंबर ऑफ सिंगर हैव शो बिफोर तरुण, ठीक है। देखो, नंदनी से ना बाद में जितने होंगे, तरुण के पहले उतने होंगे, यही बताया ना। इतना हो गया, आप सबको मान लो गोले में, सबको कर लो गोले में ताकि कंफ्यूजन कम हो थोड़ी। तो सब लाल लाल रहता है एकदम से। चलो कलर बदलें, नहीं पहले हाईलाइटर लेंगे। देखो कौन कौन सा हम सेट कर सकते हैं, सबसे अच्छी कंडीशन यही है। दो पॉसिबिलिटी बनेगी, एक एक करके बना लो, आराम से हो जाएगा। सबसे अच्छी कंडीशन ये है, आंचल 5 छोड़ के शिवम, ठीक है। यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं, लेकिन एक बात बताऊँ मुझे, इनको रखने के बाद रखेंगे किसको? और कोई कंडीशन मर्ज हो रही है क्या? देखो कोई कंडीशन मर्ज हो रही है, नहीं हो रही है। अच्छा इसको देखें एक बार, शीतल 20 वाले पे है और 30 वाले, 31 वाले पे नहीं होगा, मतलब 30 वाले में होगा। तो शीतल के लिए एक ये जगह है और एक ये जगह है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रख दूँ, चलो अच्छा चलो एक एक कर, ऐसे मैं सोचूंगा तो ना, तो आप लोग कंफ्यूज हो गए। सो रखना शुरू करते हैं, ठीक है। देखते हैं रख के क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी। चलो शीतल से शुरू करेंगे, क्योंकि शिवम आंचल में कुछ रख नहीं पाएंगे, ठीक है। और नंदनी आलोक में भी अभी थोड़ा सा डाउट है मुझे, इस वजह से अभी मैं उसको नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि नंदनी पूरी साथ में आएंगे, नंदनी कहीं भी आ सकता है फिर, है ना। चलो नंदनी के नीचे आलोक है, तो हाँ एक चीज़ देखना ध्यान से। नहीं, अभी छोड़ो, अभी चेक करेंगे शीतल से, ठीक है। शीतल को यहाँ रख देंगे, SHEE शीतल को यहाँ रखें, तो एक दो छोड़कर बी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब अगर शीतल यहाँ पे आ गया तो जाहिर सी बात है शिवम इसी जगह पे आएगा, क्योंकि शिवम को मार्च में मना कर रखा है। 1 2 3 4 छोड़ के, 5 छोड़ के आंचल यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। आंचल ठीक इस जगह पे आ जाएगी। अब मुझे बताओ कौन सी ऐसी जगह बची है जहाँ पे नंदनी और पुनीत साथ में आ जाएंगे और आलोक जस्ट नीचे आएगा? कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी जगह है ही नहीं। ध्यान से देखना, दिखाता हूँ मैं आपको, ये होती है कंडीशन मर्ज करना। देखो ध्यान से, नंदनी पुनीत, नंदनी पुनीत साथ में होंगे, देखो सेम मंथ में लिखा है। नंदनी पुनीत यहाँ यहीं पर रख सकता हूँ, यही जगह नंदनी पुनीत को, नंदनी को अगर यहाँ रखूंगा तो, नंदनी को यहाँ रखूंगा तो पुनीत यहाँ होगा, और नंदनी को यहाँ रखता हूँ तो पुनीत यहाँ होगा। और बताया है नंदनी के जस्ट नीचे आलोक है, देखो नंदनी के जस्ट नीचे, नंदनी के नीचे आलोक यहाँ भी नहीं हो सकता और नंदनी यहाँ रखकर यहाँ भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी हमने शीतल के लिए गलत दी है, और जैसे ही इस पॉसिबिलिटी को हम सही करेंगे हमारी पजल लगभग बन जाएगी। लगभग कहूँगा अभी, अभी लग पूरा नहीं कहूँगा, ठीक है। देखो शीतल को यहाँ रखूँ, 2 छोड़कर बी यहाँ पे आ जाएगा, तो शिवम इस बार यहाँ पे आएगा, ठीक है। और 5 छोड़कर आंचल यहाँ पे आएगी, ठीक। अब देखो कौन कौन सी जगह ऐसी है जहाँ नंदनी और पुनीत साथ में आ सकते हैं। कोई ऐसी जगह अभी भी दिख रही है आपको? कोई ऐसी जगह दिखी है आपको? बताना, एक मिनट हाईलाइटर ले लूँ। कोई ऐसी जगह अभी दिख रही है? देखो यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ यही जगह आ सकती है नंदनी पुनीत, लेकिन यहाँ भी गलत हो रहा है। इसका मतलब हमने जो बी की कंडीशन रख दी है शीतल के साथ में, वो रखी है गलत, नीचे नहीं रखेंगे, ऊपर रखना पड़ेगा बी को मुझे। देखो 2 छोड़कर 1 2 छोड़कर यहाँ भी हो रहा है अभी, ठीक। यहाँ आते ही हमारी कंडीशन सही हो जाएगी, क्योंकि नंदनी यहाँ पे बैठेगी फिर, और पुनीत, नहीं, आलोक भाई साहब यहाँ बैठेंगे और पुनीत यहाँ बैठ जाएंगे, ठीक है। पुनीत इस जगह पे आ जाएंगे, ठीक है। अब एक कौन बच रहा है? एक बच रहा है शिवम, आलोक, पुनीत, तरुण। तरुण नंदनी के जितने नीचे बताया था उनके उतने ऊपर। देखो नंदनी नीचे एक है, दो है, ठीक। एक ही जगह बच रही थी ना, तरुण यहीं आएगा, और ये हमारी पॉसिबिलिटी भी सही हो रही है इस हिसाब से। नंदनी और पुनीत साथ में सेम मंथ में है, देखो है सेम मंथ में नंदनी और पुनीत, नंदनी और पुनीत देखो 31 मई में बैठे हुए, ठीक है। चलो शिव में 5 लोग का गैप है, 1 2 3 4 5 छोड़ के आंचल बैठी हुई, ठीक है। मार्च शिव मार्च में नहीं आएगा, नहीं है मार्च में, देखो नीचे है। शीतल 31 वाले पर नहीं है, शीतल 31 वाले पर नहीं, 30 में है और 2 छोड़कर बी है, 2 छोड़कर 1 तो बी है। शीतल 20 वाले नंबर, 20वें डेट पे है, सही है। नंदनी के जस्ट नीचे आलोक है, नंदनी के जस्ट नीचे आलोक है, ठीक है। तो हमने ये पजल एकदम सही बनाई है, आई होप आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में कमेंट कर देना, मैं इसका बता दूंगा आंसर आपको, ठीक है, दोबारा सॉल्व करके। चलो तो गाइज आज ना मेरे पास इतने ही पजल थे, आज क्या डेली होते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों का वीडियो को शेयर कर देना। फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।